नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं। ये दोस्तों, हमारे देश में ई कॉमर्स किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उस बारे में एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों, रिपोर्ट का नाम क्या है? तो रिपोर्ट का नाम है मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यही देखेंगे, इन फैक्ट्स को ब्रीफली समझेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट इस तौर पर होने वाले हैं कि इन फैक्ट्स को आप फॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे जो इससे रिलेटेड होंगे उनमें लिख सकते हैं, या फिर कई जगह क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए इन फैक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है आप सब के लिए। और दोस्तों, इस बारे में एक इकोनॉमिक्स टाइम्स में रिपोर्ट भी छपी थी 9 जनवरी 2020 को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पिचिस फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन भी दी गई है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को, तो उसके नाम से हेडलाइन छपी थी। बाकी इसमें वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो रिपोर्ट में कहा गया है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले बताया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद से दोस्तों कहा गया है कि इस रिपोर्ट के लिए जो स्टडी का काम शुरू किया गया था CCI के द्वारा, वो अप्रैल 2019 में शुरू कर दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है वो ये बताया गया है कि 2017 में तकरीबन 44.5 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स थे, जो कि 2019 में बढ़कर 66.53 करोड़ हो गए हैं। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं 50% के लगभग यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है 2 साल के अंदर ही इंटरनेट यूज़र्स के नंबर में। और दोस्तों, यही सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मेन कारण है एक तरीके से ई कॉमर्स का हमारे देश में प्रमोट होने का। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट सबसे पहले नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र्स को बताती है कि आज के समय में 66 करोड़ तक इंटरनेट यूज़र्स हैं। इसके बाद से दोस्तों, ये रिपोर्ट ये कहती है कि ई कॉमर्स सेक्टर का जो रिवेन्यू है वो 51% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप रिवेन्यू को प्रॉफिट से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। रिवेन्यू अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 51% की रिवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, यानी जो एक्सपेंडिचर है, जो बिजनेस है एक तरीके से, वो 51% तक बढ़ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, जो जुलाई 2018 में नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था ई कॉमर्स का, वो 1 से लेकर के 1.2 मिलियन पर डे था, यानी 10 लाख से 12 लाख हर दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। और ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी पिक्चर है ई कॉमर्स का हमारे देश में बढ़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है फूड इंडस्ट्री को थोड़ा अलग तरीके से कंसीडर करती है और बताती है कि 2016 से लेकर के 2019 के बीच में जो फूड इंडस्ट्री के थ्रू डिलीवरी मार्केट प्लेसेस में जो ग्रोथ आई है वो 90% की है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि ये दोस्तों एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बिजनेस के ग्रो करने में हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जो स्विगी हो गई, जोमेटो हो गया, या इस तरीके के जो फूड डिलीवरी एप्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐप हैं, इनका सिर्फ मेट्रो सिटी में ही इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा, जबकि जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब यहाँ पर इन सेक्टर का इस्तेमाल बढ़ सकता है तो दूसरे सेक्टर्स जो हैं ई कॉमर्स पर डिपेंडेंट हैं वो भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, अगर वो कुछ इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, या जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा स्पेशल पॉलिसी बनाते हैं। तो ये इस तरीके का डाटा दूसरे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए जो ई कॉमर्स पर बेस्ड हैं, उनके लिए ये एक डाटा जो है बून की तरह है, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी बताता है कि जो
ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग सेक्टर है, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, 16% ग्रोथ रेट के साथ 2016 से ही लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा दोस्तों जो ई कॉमर्स सेक्टर थे 2009 में सामने आए थे, लेकिन इनका जो ग्रोथ हुआ एक्चुअली में वो 2014 के बाद से ही शुरू हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, 2017 में यहाँ पर इन इम्पॉर्टेंट ई कॉमर्स के सेक्टर में 3.5 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था। और साथ ही साथ दोस्तों आज के समय में अगर हम ई कॉमर्स स्टार्टअप की बात करें तो ये बढ़कर 4,757 यानी 4,757 के लगभग हो चुका है। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों ई कॉमर्स स्टार्टअप का? तो सिंपल दोस्तों, कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन बन चुके हैं आज के समय में, वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट डाइग्राम बनाना, डिज़ाइन करना, इन सब सेक्टर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड हो सकते हैं। तो इतने सारे मोबाइल ऐप बन रहे हैं आज के समय में किसी ना किसी काम के लिए। कुछ तो दोस्तों अपना इम्पॉर्टेंट पेमेंट चैनल भी बना चुके हैं, जैसे कि दोस्तों फोनपे हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरीके की कई सारी कंपनीज हैं। तो ये सब दोस्तों स्टार्टअप्स हैं जो बहुत सारे एक तरीके से एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। ओयो हो गया, OLX हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके के दोस्तों आज के समय में लोग जो हैं कहीं काम करने के लिए आउटडोर नहीं जा रहे, वो घर पे ही बैठ रहे हैं और घर पे ही बैठ के वो इस तरीके की एप्स डिज़ाइन कर दे रहे हैं और अपना प्रोडक्ट बेच ले रहे हैं काफ़ी इफ़िशियंटली तरीके से, जिससे वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट ई कॉमर्स के लिए सजेशंस भी हैं। इन सजेशंस को दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी जगह ई कॉमर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के तौर पर। तो आई होप आप इसे याद रखेंगे या फिर इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लेंगे, या जो हमारा PDF है उसको डाउनलोड करके रिवाइज करते रहेंगे फ्यूचर में। रिपोर्ट का दोस्तों पहला सजेशन ये है कि इन्फॉर्मेशन सिमिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, क्योंकि दोस्तों एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन को कोई बार बार पढ़ेगा और इसके चक्कर में वो दूसरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो, जिससे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स में कंपटीशन बढ़े, यानी ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए कह रही है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो सर्च रैंकिंग होती है उसमें स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने की बात की जा रही है, जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस यूजर्स की मोनोपोली ना बन पाए। इसको रोकने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि जब हम सर्च करें तो सिर्फ कुछ ही इम्पॉर्टेंट ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म के बारे में ही जानकारी मिल पाए, भले वैसा काम करने वाले कई दर्जनों दूसरे प्लेटफॉर्म भी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोकने की भी बात करता है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है कस्टमर्स का, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जाए और किसी को ज़रूरत से ज़्यादा डाटा ना कलेक्ट करने दिया जाए। इससे दोस्तों साइबर क्राइम जैसी प्रॉब्लम का भी काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। तो ये तीन जो इम्पॉर्टेंट सजेशंस है काफ़ी एक तरीके से अच्छे हैं और ज़रूर गवर्नमेंट को इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश लगातार करते रहने चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा इस इम्पॉर्टेंट स्टडी पर एक स्मॉल एनालिसिस, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्डर की तरह काम करेगा पेपर में आंसर लिखते समय। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।